शाहजहांबाद पुलिस द्वारा चंद घंटों में निकबजनी के चार आरोपी को मशरूका के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी सामान को बेचने की फिराक में थे, जिसको पुलिस ने धर दबोचा। फरियादी संदीप निवासी बाजपाई नगर ईदगाह हिल्स ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं 19-20 दरमियानी रात को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर का दरवाजा तोड़कर मेरे घर पर रखी LG कंपनी की वॉशिंग मशीन, एक रियलमी कंपनी की LED और एक गैस सिलेंडर कीमत लगभग 1 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गया। फरियादी की शिकायत पर अपराध पंजीयन कर विवेचना शुरू कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा कर टीम रवाना कर आसपास के CCTV के माध्यम से पता चला कि आरोपी सुनील वसोड़ द्वारा आरोपी देव कुमार, तीसरा आरोपी रवि डागौर बाजपाई नगर एवं चौथा आरोपी बसंत सूर्यवंशी सागर का रहने वाला है। इन चारों से पूछताछ करने पर आरोप स्वीकार किया और चोरी किया गया माल बरामद किया गया है। वहीं उप निरीक्षक योगिता का कहना है कि मामले की और भी पूछताछ की जा रही है। इसमें ये फरियादी हैं संदीप जी, ये अपने मल्टी वाजपेयी नगर में रहते हैं, इम्पीरियल होटल में ये वेटर का काम करते हैं। तो अभी 19 जुलाई के समय पे ये अपने होटल में काम पर थे, इनके घर पे इनके फैमिली वाले गए हुए थे अपने गाँव। तो इनके घर में जब इन्होंने आकर देखा तो घर में से घर के दरवाजे की कुंडी उंडी टूटी थी और इनकी एक वॉशिंग मशीन, LED सिलेंडर, ये सामान इनके घर से चोरी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाना शाहजहांबाद में दर्ज कराई थी। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल आदि के कैमरे वगैरह देखे, जिसमें चार आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और चारों आरोपी इन्हीं के पड़ोसी हैं, मल्टी वाजपेयी नगर में रहते हैं और उनसे पुलिस ने मशरूका जो भी है वो संपूर्ण मशरूका जब्त कर लिया है। आरोपी कहाँ के रहने वाले थे, उनका बैकग्राउंड क्या था? सभी आरोपी मल्टी वाजपेयी नगर के रहने वाले हैं और क्या कहते हैं, सभी मेहनत मजदूरी करते हैं। आरोपियों से लगभग 1 लाख रुपए का मशरूका पुलिस ने बरामद किया है। इसमें से दो आरोपी हैं देवा और रवि, उनका एक एक अपराध है पुराना अपने थाने में मारपीट संबंधी।